यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड, जो कि एमपीटेट ग्रेड वन स्टूडेंट्स के लिए जो डेट यहाँ पर ऑफिशियल बताई गई थी कि 14 तारीख से 18 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट अपलोड की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद आपको 21 तारीख से लेकर 24 तारीख तक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, राइट। तो उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इसमें कई सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने जाते हैं तो वहाँ पर डिटेल नॉट फाउंड बता रहा है। तो किन स्टूडेंट्स के साथ ये दिक्कत आ रही है ये आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। देखो, इसका ऐसा कोई ऑफिशियल डेटा नहीं आया है कि किसे अपलोड करना है और किसे नहीं करना है। जब आप उनसे पर्सनल हेल्पलाइन नंबर पर जाकर बात करेंगे तब उनसे जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस इन्फॉर्मेशन के अनुसार या जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट किए हैं उनके अनुसार अभी किन किन स्टूडेंट्स का डिटेल नॉट फाउंड आ रहा है वो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जो ये मेरिट लिस्ट अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही है, ये मेरिट लिस्ट जब आपका रिजल्ट आया था तब अपलोड की गई थी। इसमें सभी हैं, इसमें गेस्ट टीचर हैं, नॉन गेस्ट है, बैकलॉग है और साथ ही ट्राइबल की भी साथ में वैकेंसीज निकली थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि सबसे पहले तो वेटिंग वाले जो हैं वो यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए जो साइन अप वाली प्रोसेस है वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उनके स्क्रीन पर एक मैसेज शो हो जाता है डिटेल नॉट फाउंड करके, राइट। तो सबसे पहली दिक्कत तो ये कि वेटिंग वाले स्टूडेंट जो है अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे। और जैसा कि हमने इनका नोटिस जो जारी किया गया था उसमें देखा था कि इसमें जितने भी स्टूडेंट जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है, जो यहाँ पर 670 पेज की मेरिट लिस्ट मैंने ओपन कर रखी है, इसमें जिन भी स्टूडेंट का नाम है उसे अपलोड करना चाहिए थी और जितने भी स्टूडेंट जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आया है उन्हें ये लिस्ट जो है डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर करने थे, राइट। बट अभी के डेटा के अनुसार केवल जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है वही स्टूडेंट यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर पा रहे। सबसे पहला वेटिंग लिस्ट वाले अपलोड नहीं कर पा रहे, दूसरा ट्राइबल वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। आइडियली तो डीपीआई और ट्राइबल की भर्ती एक ही जगह होनी थी, ठीक है, लेकिन अभी ट्राइबल वालों की साइड से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है तो ट्राइबल वालों का अभी पोर्टल यहाँ पर ओपन नहीं होगा। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर रोल नंबर डालेंगे वो बता देगा डिटेल नॉट फाउंड करके, ठीक है। अगर यदि आप ट्राइबल से हैं और अगर आप फिल कर पा रहे हैं, यदि आप वेटिंग से हैं और फिल कर पा रहे हैं तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में ये चीज़ मेंशन करिएगा, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये दोनों कैटेगरी फिल नहीं कर पा रही और थर्ड कैटेगरी है मैथ्स वाले स्टूडेंट, ठीक है। मैथ्स वाले स्टूडेंट का भी डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि इनके द्वारा जो भी रीसेंट एक नोटिस जारी किया गया था 10 तारीख को, उसमें इन्होंने साफ मेंशन किया था कि गणित वालों का जो समय सारणी है वो बाद में प्रस्तुत की जाएगी। दैट मीन जो 14 से 18 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है, सॉरी डॉक्यूमेंट अपलोड का, उसमें गणित वाले स्टूडेंट जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने साफ यहाँ पर मेंशन कर रखी है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यस, ये चीज़ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये उस दिन का ही नोटिफिकेशन है जब अपन को डेट मिली थी कि किस दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट है, ठीक है। 10 तारीख का ये नोटिफिकेशन था, इसमें इन्होंने साफ मेंशन कर रखा है कि गणित विषय के लिए समय सारणी पृथक रूप से जारी होगी, मतलब गणित वाले स्टूडेंट को छोड़कर बाकी सारे स्टूडेंट जो है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी कर चुके हैं जो मेरिट लिस्ट में है और जो अपने स्कूल्स हैं उन्हें भी आप सारे सिलेक्ट करें, ऐसा नहीं कि 3 से 4 सिलेक्ट कर दें तो उसमें हम ही ट्रबल में रहेंगे, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके सारे स्कूल्स भी आप साथ के साथ सिलेक्ट कर लें। आप ये वेट नहीं करें कि 18 तारीख है तो मैं 17 को कर लूँगा, ठीक है। एक बार अपना ही समय निकाल कर, क्योंकि आपके ही फ्यूचर के लिए ये प्रोसेस यहाँ पर की जा रही है, तो समय निकाल कर स्कूल ज़रूर से सिलेक्ट कर लें, क्योंकि जितनी भी कमेंट्स मैंने देखी है उसमें मैक्सिमम यही है कि स्कूल बाद में सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये वाला दिक्कत ना रखें, टाइम निकाल कर स्कूल पहले सिलेक्ट कर लें। और जो भी आपके कमेंट्स थे उसके अकॉर्डिंग ट्राइबल वाले नहीं फिल कर पाएंगे फिलहाल के लिए, मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे और वेटिंग लिस्ट वाले अभी फिल नहीं कर पाएंगे, ओके।
और एक और जो इन्फॉर्मेशन अभी सबके बीच में वायरल हो रही है 27% आरक्षण को लेकर, तो अभी तक जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल अपने पास रिकॉर्ड नहीं आ जाता इस चीज़ का, इस पर कुछ नहीं कह सकते। सिर्फ पिटीशन हटाने का और ये सारा प्रोसेस अभी चल रहा है, हालांकि इस पर ऐसा कुछ ऑफिशियल आया नहीं है। ठीक है, तो आप दूसरी चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं हों, जब तक ऐसा ऑफिशियल कुछ डेटा नहीं आ जाता है कि सभी को 27% का आरक्षण दिया जाएगा जो कि अभी 13-14 में कन्वर्ट हो चुका है, उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। ओके, सो यही इन्फॉर्मेशन थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। इसके अलावा यदि आपके और कोई डाउट है तो वो आप ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। प्रीवियस वीडियो में जितने भी कमेंट्स थे लास्ट 3 वीडियो में, उनके अकॉर्डिंग ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिली है कि ये 3 कैटेगरी जो है अभी फॉर्म फिल नहीं कर पाएगी। ओके, और यदि कोई डाउट रहता है तो आप ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।